टीवी पाकिस्तान के नुमाइंदे खसूसी अख्तर सरदार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक मनहाजुल कुरान चीचा वतनी और कसोवाल के ज़ेरे एहतमाम मराकिज इल्म ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद। तहरीक मनहाजुल कुरान चीचा वतनी और कसोवाल के ज़ेरे एहतमाम मराकिज इल्म के मौलमीन के लिए ट्रेनिंग कैंप में डायरेक्टर निज़ामत एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट महाफिज मोहम्मद सईद रजा बगदादी, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर अलामा हसन महमूद जमाती, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर अलामा अहमद वहीद कादरी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हाफिज मोहम्मद सईद रजा बगदादी ने इल्म की अहमियत, मराकिज़ इल्म की अहमियत व तारुफ और निसाब की तदरीस बमाए क़याम का लाहे अमल के हवाले से आगाही फराहम की। उन्होंने कहा कि मराकिज़ इल्म के क़याम का मकसद मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी के लोगों की इखलाकी और रूहानी तरबियत और किरदार साजी के लिए अमली इकदामात करना है। अलामा हसन महमूद जमाती ने मरकज़ इल्म के निसाब में से मुंतखब मकामात की तजवीज़ इस अंदाज में की कि शुरका में से हर एक इसी तर्ज पर मराकिज़ इल्म की क्लासेस में पढ़ाएगा। अलामा अहमद वहीद कादरी ने खिताब करते हुए बताया कि दावत की ज़रूरत व अहमियत और मराकिज़ इल्म की दावत का अमली तरीक़ाकार, कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार क्या है। उन्होंने बड़ी जामिया और मुख्तसर खिताब करते हुए अपना मकसद बयान किया। एक रोज़ा ट्रेनिंग कैंप में तहरीक मनहाजुल कुरान और जुमलाए फोम्स के मौलमीन और मालूमात ने शिरकत की।